हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास आईफोन 13 आया है। हमारे एक भाई हैं, बहुत परेशान हैं बिकॉज उनका स्पेस पूरा फुल हो चुका है और उनका 128 GB का आईफोन 13 है। ठीक है, तो ये बहुत परेशान है और हमसे कह रहे हैं कि कुछ कर दो कुछ कर दो कुछ कर दो करके। तो आपको पता है कि जब भी डिमांड होगी तो सप्लाई ज़रूरी होगी, तो हम सप्लाई कर रहे हैं। और इनका फ़ोन, इनको इच्छा है कि हम इनका फ़ोन 256 GB बना दें, तो हम इसका जो 256 GB है 256 GB ज़रूर बनाएंगे इनका फ़ोन, क्योंकि ये हमारे पास आए हैं और रिलायब से कोई भी कभी निराश होकर नहीं जाता है, बिकॉज रिलायब एक नाम नहीं है, एक फीलिंग है। और आप देख सकते हो कि हमने आपको इसका सीरियल नंबर वगैरह सारा दिखा दिया है। और ये 128 GB है। आप जब हम 256 GB इसको बना देंगे तब भी आप पूरा मैच कर सकते हो, बिकॉज हमें अपने काम पे बहुत ज़्यादा भरोसा है और हम इसको बहुत स्मार्ट तरीके से करेंगे। हमें ना बोर्ड सेपरेट करना है ना कुछ करना है, हम इसको CNC के थ्रू करेंगे। CNC मशीन का हम यूज़ करेंगे हार्ड डिस्क निकालने के लिए। और हम इसको ये भी करेंगे कि इसको वाटरप्रूफिंग भी बनाएंगे, सारा कुछ करेंगे हम। मतलब जैसा हैंडसेट आता है ना, आप देख सकते हो कि ये बोर्ड आपके सामने है और हम इसको CNC मशीन पर ले गए हैं। आप देख सकते हो कि CNC मशीन इसका हार्ड डिस्क ड्रिल कर देगा। और हम ड्रिल क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इसका रीज़न ये है कि अगर 11 प्रो मैक्स तक है तो हमको ओल्ड हार्ड डिस्क का नीड होता है डेटा रीड करने के लिए। अगर ओल्ड हार्ड डिस्क नहीं है, डेटा रीड नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए प्रोसीजर थोड़ा लंबा हो जाता है। बट आईफोन 12 और 13 और 14 में ये वाला जो झाम है वो नहीं है, मतलब ये वाला प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने देख लिया, मैंने उसको ड्रिल कर दिया है CNC मशीन से और हमारे पास खाली उसका आउटर लेयर बचा हुआ है। ये बचाना ही पड़ता है, नहीं तो कंपोनेंट डैमेज हो जाएंगे। तो कोई बात नहीं है, अब ग्लू क्लीन हो रहा है, इसको देखिए। इसके बीच में हम आपसे बात करेंगे और ये बातें बड़ी सी अच्छी सी होती हैं, कि ऐसी होती हैं ना कि आप लोग यार मतलब ठीक है, कोई बात नहीं है, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो अपना काम करते ही रहेंगे, हम वीडियो डालते रहेंगे और जिस बंदे को इससे हेल्प होगी वो लाइक करेगा, कमेंट करेगा, कोई बात नहीं। आप सब्सक्राइब करो नहीं करो कोई दिक्कत नहीं है, या आप लाइक करो नहीं करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आपको कुछ यहाँ से गेन होता है या आपको कुछ समझ में आता है, आपको कुछ भी हेल्प होती है, तो यार मतलब समझो पार्ले जी भी आज भी 2 रुपये में नहीं मिल रहा है ना, 2 रुपये में पार्ले जी नहीं मिल रहा है। आपको इतना अच्छा नॉलेज मिल रहा है तो आपको एक बटन लाइक का दबाने में क्या दिक्कत है, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। कोई बात नहीं है, आप नहीं भी दबाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ओके है मैटर, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप करोगे, हमें हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स का कॉल भी आ रहा है और वो लोग हमसे बातें भी कर रहे हैं। देखो अभी मैं ग्लू क्लीन कर रहा हूँ इसीलिए मैं बातें कर रहा हूँ ना, तो आप सोचो कि हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर लोग हमको कॉल कर रहे हैं, बिकॉज हमने अपना नंबर छोड़ा हुआ है, तो बहुत सारे सब्सक्राइबर लोग कॉल कर रहे हैं कि हमें ये दिक्कत है, हमें ये प्रॉब्लम है, ये जितनी भी वीडियो रिलेट्स करी हैं उसके अकॉर्डिंग हमको अभी से कॉल आ रहा है, तो हमको बहुत सारा स्ट्रेंथ मिल रहा है, ताकत मिल रही है हमको, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मतलब ऐसे भी हमें मतलब फालतू लोग नहीं चाहिए, हमें जो जेन्युइन पर्सन है वही चाहिए। आपको देखो आपको समझ में आता है, आपका कुछ उससे काम बन जाता है तो ठीक है। हम लोग बेंगलोर में हैं, SP रोड में है, और SP रोड में लूसिया सिटी सेंटर 4th फ्लोर 423 शॉप नंबर है हमारा, और रिलाइव करके हमारा ऑफिस है और बहुत दिनों से यहाँ पे हैं हम। आप बेंगलोर में जो भी अच्छा टेक्नीशियन है उससे आप हमारा नाम पूछ सकते हो, हमारा नाम नहीं मेरा नाम पूछ सकते हो, जिसका नाम है रिंकेश पाठक हमारा नहीं मतलब मेरा नाम पूछ सकते हो रिंकेश पाठक, या तो हमारी ब्रांड का नाम पूछ सकते हो, इसको बोलते हैं हम लोग रिलाइव। आपने देख लिया कि यहाँ पे मैंने 256 GB का हार्ड डिस्क लगा रखा है। एक्चुअली में आप लोग भी थोड़ा सा केयर रहो, बिकॉज इस टाइम कोरोना फिर से रन हो रहा है, अभी मुझे भी खांसी आई है, देखेंगे क्या होता है, टेस्ट कल कराना ज़रूरी है। तो हमने हार्ड डिस्क वगैरह लगा लिए और अब हमारा बच्चा जो है रोहन बैरागी नाम है इसका, रोहन बैरागी इसको फिट कर रहा है पूरा, और देखते हैं कि फिटिंग होने के बाद क्या होता है। एक्चुअली में हम इसको टोटली वाटरप्रूफ भी करेंगे, है ना,
मतलब आपने जब अपना फ़ोन दिया था तब वो वाटरप्रूफ था या वाटर रेजिस्टेंट था, और हम बनाने के देने के बाद ऐसा नहीं होगा तो कैसे चलेगा। तो अगर हम कोई फ़ोन जिस कंडीशन में लेते हैं उसी कंडीशन में हम देते हैं। अभी आपने देख लिया कि हमने हार्ड डिस्क डाला है, तो हार्ड डिस्क डालने के बाद उसको ओएस करना ही पड़ेगा, चाहे वो मैकबुक हो, चाहे आईपैड हो, चाहे आईफोन हो। अगर आपने हार्ड डिस्क चेंज कर दी तो उसका ओएस करना ही पड़ेगा। इसको मैंने बहुत फास्ट फॉरवर्ड चलाया है, बिकॉज इस तक टाइम कंज्यूमिंग मैटर, ये कम से कम 25 से 30 मिनट का टाइम लेता है। और यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा हुआ आ गया है, क्लियर फ्रेश डन लिखा हुआ आ गया है, तो आप देख ही सकते हो स्क्रीन पे। अब मैं इसको गैस्केट लगा रहा हूँ जिससे हम इसको वाटरप्रूफ कर सकते हैं। और मतलब आपने जैसा हैंडसेट मेरे को वाटरप्रूफ दिया था वैसा ही हैंडसेट मैं आपको वाटर रेजिस्टेंस या वाटरप्रूफ बना के दूंगा। मतलब एक्चुअली में वाटरप्रूफ नहीं होता है आईफोन, वाटर रेजिस्टेंस होता है। आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हो। और हम पिन टू पिन सारे स्क्रूज लगाते हैं, जैसे कि बाहर मार्केट वाले ये निकाल लेते हैं, वो निकाल लेते हैं, हम सारी शील्ड्स भी लगाते हैं, सारा स्टिकर्स भी लगाते हैं, एकदम मतलब जो जेन्युइन पीस है ना वैसा बना के देते हैं। आप देख सकते हो कि अब ये पूरा हो चुका है, और हमने इसका बॉटम स्क्रू भी लगा दिया, लेकिन अब इसको सेटअप करना पड़ेगा, बिकॉज ये पूरा फ्लैश हो चुका है ना, तो इसको सेटअप करना ही पड़ेगा। सारे ही करते हैं, इसको टेढ़ा रख रखा है मैंने क्योंकि वो एंगल चेंज ना हो इसीलिए। बाकी मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को इसको सीधा ही करना था, लेकिन हमारे क्रिएटिव डायरेक्टर जो है ना जमाम भाई, वो क्रिएटिव डायरेक्टर बोल रहे नहीं ऐसे ही करके करो। और आप देख सकते हो कि सीरियल ये 256 GB हो चुका है, और सीरियल नंबर भी आप देख सकते हो। और हम मिलेंगे जल्द ही नए वीडियो के अंदर।